जब गौतम बुद्ध सोते थे वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। बुद्ध कभी इस बाजू से उस बाजू भी नहीं होते थे। वो रात को जिस अवस्था में सोते थे वैसे ही सुबह तक होते थे। गौतम बुद्ध का भिक्षु जिनका नाम था आनंद, उसे ये बात बहुत परेशान करती थी। हर रात वो देखता था कि बुद्ध स्थिर ही रहते हैं। उसे बहुत सारे प्रश्न होते थे। कितनी बार आनंद नींद में से जगते और बुद्ध को देखते थे। बुद्ध हर बार उसी अवस्था में आनंद को दिखते थे। एक रात भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास चला गया। उन्होंने बुद्ध को नींद से उठाकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने के लिए ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पूरे दिन चलना पड़ता है और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हो, लेकिन मैं सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पाया। मेरे मन में जिज्ञासा है, कृपया करके आप उसे शांत करें। मैं 20 साल से आपके साथ हूँ और आपको देखता आया हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि आप कैसे पूरी रात एक ही अवस्था में सोते हो। आप जिस अवस्था में सोते हो सुबह तक वैसे ही रहते हो। क्या आप सच में सोते हो कि आप सोते नहीं हो? गौतम बुद्ध ने आनंद की तरफ देख के स्मित किया और कहा, मैंने मेरे लिए सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की जरूरत नहीं। मैं सोते समय भी जागृत ही रहता हूँ। जबकि मेरा शरीर सो जाता है, मैं जागृत होता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि शरीर का हिलना होता है कि नहीं। शरीर क्यों एक अवस्था में रह नहीं पाता? सही कारण तो मन है। मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। इसीलिए हम सोते समय भी शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इस सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। मेरे पास मन होता ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ शरीर बस मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन बचता ही नहीं है। आनंद, क्या तुमने मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये हमारा मन है कि जो सब कार्य करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन रुक जाए, तब आपका शरीर निंद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। तुम्हारी जागरूकता सोने के बाद भी एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह प्रज्वलित रहेगी। जागरूक इंसान ना कि सिर्फ अपने शरीर को जागरूकता से देखेगा, लेकिन अपने मन को भी देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य लोगों के भांति नहीं सोते हैं। सामान्य इंसान सोता है तब वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, ना ही उसे अपने मन और शरीर का ख्याल रहता है। इसीलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है वह फिर भी जागरूक होता है। वह जैसे सुबह आँख खुले में रहते हैं वैसे ही सोते समय होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं। जब हम सोने जाते हैं हमें नहीं पता कि हम कब सो जाते हैं। अगर हम सोते समय जागरूक अवस्था में से जब नींद आती है उस आखिरी पल में आप कॉन्शियस रह पाओ तो कुछ अद्भुत घटित होगा। इस बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिखाए आई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दिस इज बुद्धा द वे ऑफ लिविंग।